महिलाओं की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रैक निपल्स की, स्पेशली जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनके लिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंजरी की वजह से या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन लाइक एक्जिमा सोराइसिस की वजह से महिलाओं में क्रैक निपल हो जाते हैं। आज हम इसी क्रैक निपल और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रैक निपल और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन। तो निपल्स के क्रैक्ड होने के केसेस में होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट होता है। इसको पर्सन टू पर्सन अलग अलग उनके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है एक तो क्रैक्ड और चैप निपल्स को ठीक करता है और साथ में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तो जैसे कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है क्रैक निपल्स के थ्रू तो मैस्टाइटिस की कंडीशन बनने से पहले ही अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें सही समय पर आराम मिल जाता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये हर व्यक्ति के अनुसार उनके सिम्टम्स के आधार पर होता है, इसलिए आपको मेरी एडवाइस है कि अगर आपको क्रैक निपल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने पास के जो भी होम्योपैथी चिकित्सक हैं उनके पास जाके अपने सारे सिम्टम्स बता के ही आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है। अब अगर हम कारणों की बात करें कि क्रैक निपल होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहला कारण देखते हैं कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें जो बच्चा है वो अगर पुअर लैच होता है उसका, मतलब जितना उसको पार्ट अपने मुंह में रखना चाहिए ब्रेस्ट का उतना नहीं रखता है, सिर्फ निपल ही अपने मुंह में रखता है वो दूध पीते वक्त, तब ऐसा होता है कि निपल क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो निपल के साथ साथ जो एरियोला वाला पार्ट होता है उसको भी अपने मुँह में रख के फिर दूध सक करता है तब ये निपल क्रैक होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी निपल्स में क्रैक होने का इस तरह के जो चांसेस होते हैं वो डिलीवरी के बाद फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि इस समय जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो दूध कैसे पीना है ये सीख रहा होता है। तो अगर किसी के बच्चे को पुअर लैच है, मतलब वो निपल का हिस्सा ही सिर्फ मुंह के अंदर रख रहा है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने वाली होती हैं कि कहीं जो माँ है उसे मैस्टाइटिस तो नहीं है, उसकी जो ब्रेस्ट है वो एंजियोर्स तो नहीं है। एंजियोर्स का मतलब होता है कि ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी सारा मिल्क भरा हुआ होता है और गठाने की तरह बन गई होती है, काफ़ी दर्द और सोरनेस टेंडरनेस होता है, तो इस तरह की कंडीशन तो नहीं है, तो ये भी हमें देखना होता है। इसके साथ साथ ये भी देखें कि बच्चे को कहीं टंग टाई तो नहीं है, उसके कोई पैलेट में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें देखना होती हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई मदर है जो ब्रेस्ट पंप का यूज़ करती है मिल्क निकालने के लिए, तो ऐसे में अगर उसको ठीक से फिक्स नहीं किया जाता तब भी निपल क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें क्रैक्स निपल की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ जो अदर महिलाएं हैं उनमें भी कई बार क्रैक्स निपल की प्रॉब्लम होती है, तो जिसका मुख्य कारण होता है कि कोई इंजरी हो जाना, कोई ट्रॉमा हो जाना या फिर कि कोई इन्फेक्शन हो जाना। तो सबसे पहले अगर जैसे कि देखें अगर उन्होंने जो इनर वेयर है वो ठीक से फिटेड के नहीं पहने हुए हैं तो इससे उनको लगातार घर्षण होने की वजह से उनकी निपल्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर गर्मी में पसीना अधिक आने की वजह से और पैडेड ब्रा के यूज़ करने की वजह से जो निपल्स हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी क्रैक निपल्स की प्रॉब्लम होती है। कई बार जो है निपल और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाते हैं। और एक और जो कारण होता है वो हो सकता है सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, तो जिसमें कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हैं अफेक्टेड हो जाते हैं, तो कई बार निपल भी अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी मदर को ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो कई बार देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनके माउथ में भी अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब उनको भी छाले हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको सही समय पर ट्रीट करना ज़रूरी होता है। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर ये क्रैक निपल को सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो महिलाएं हैं उसे मैस्टाइटिस हो सकती है। मैस्टाइटिस मतलब उनके जो ब्रेस्ट हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, कई बार जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ में जो महिला है उन्हें कई बार जो है ब्रेस्ट हॉट फील होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होता है, और अगर इसे ठीक ना किया जाए तो महिलाओं को फिर फीवर भी आ जाता है।
अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जिनको ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी पहली मेडिसिन है कैस्टर इक्वी। तो ये जो मेडिसिन है ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जिसमें कि निपल जो है वो क्रैक्ट होते हैं, सोर होते हैं, पेनफुल होते हैं, उनको जो है रेडनेस, इचिंग और बर्निंग फील होती है, और स्पेशली जो एरियोला है और जो निपल का एरिया है उसमें अगर ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, अल्सर्स होते हैं, तब इस मेडिसिन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये निपल्स की इन्फ्लेमेशन के लिए फर्स्ट स्टेज में ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को ब्रेस्ट पर वॉट्स हैं तो उसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। तो इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है और लगभग 7 दिन तक आपको इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। तो ग्रेफाइटिस जो मेडिसिन है ये नर्सिंग वूमन में और नॉन नर्सिंग वूमन में दोनों में ही क्रैक निपल के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ये एक्जिमा के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी को जो ब्लिस्टर्स हैं या फिर निपल से एक थिक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा है तो ऐसे केसेस में जो ग्रेफाइटिस मेडिसिन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसे आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज़ करना है और लगभग 7 दिन तक आप इस मेडिसिन को रिपीट करेंगे। तो क्रैक निपल के लिए अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ये जो मेडिसिन है इसमें भी जो पेशेंट है उसके निपल्स क्रैक्ड होंगे, सोर होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जिनके निपल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर जो बेबी को फीड करते टाइम उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस महसूस होती है जब बेबी दूध सक करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो पेन है वो पूरी बॉडी में फैल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो ऐसे में आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा मेडिसिन का यूज़ करना है। इसे भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करेंगे तो लगभग 5 दिन तक आपको इस मेडिसिन को रिपीट करना है। और ये जो मेडिसिन है ये मैस्टाइटिस के केसेस में भी एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो जब निपल से इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ गया हो, पूरी ब्रेस्ट में फैल गया हो और मैस्टाइटिस की कंडीशन हो गई हो, तो ऐसे केसेस में भी ये जो मेडिसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। अगली एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है साइलिशिया। तो ये जो मेडिसिन है इसको भी निपल क्रैक्स के केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे निपल्स बहुत ज़्यादा सोर होते हैं, टेंडरनेस होती है, छूते ही जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पेशेंट को जो है एक डार्टिंग और बर्निंग पेन होता है, स्पेशली अगर लेफ्ट ब्रेस्ट इन्वॉल्व है तो ऐसे केसेस में हमें साइलिशिया मेडिसिन का यूज़ करना है। इस मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है सीपिया। ये जो मेडिसिन है इसमें भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है, निपल्स क्रैक और अल्सरेटेड होते हैं। तो बाकी सिम्टम्स को अगर हम देखते हैं और फिर हमें सीपिया मेडिसिन का यूज़ करना है। निपल्स जो है वो क्रैक्स एंड सोर होते हैं, यहाँ पर भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और निपल्स में से जो है वो ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर इस तरीके के केसेस हमको देखते हैं तो हमें सीपिया मेडिसिन का यूज़ करना है। तो क्रैक निपल के लिए एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है ऑरम सल्फ। तो ये जो मेडिसिन है इसमें इन्फेक्शन जो है ब्रेस्ट के अंदर तक फैल चुका होता है और जो ब्रेस्ट है उसमें भी फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें ऑरम सल्फ मेडिसिन का यूज़ करना है। इसमें एक शार्प और पियर्सिंग पेन होता है, तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमें ऑरम सल्फ मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है सल्फर। अगर क्रैक निपल में बर्निंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, पूरे ब्रेस्ट में बर्निंग बहुत ज़्यादा फील होती है और साथ में जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, एक स्पार्टिंग और स्टिंगिंग जैसा पेन हो रहा है और हर बार जो है बच्चे को दूध पिलाने के बाद ये दर्द जो है बढ़ जाता हो और बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होती हो, ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सल्फर मेडिसिन का यूज़ करना है। तो ये जो मेडिसिन है ये अल्सर्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के ब्रेस्ट में अल्सर्स हो रहे हों तब भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ जब अगर आपकी प्रॉब्लम है वो रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग और इचिंग फील होती हो रात के समय, तो ऐसी कंडीशन में आपको सल्फर मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की कुछ मेडिसिन की जो कि क्रैक निपल के केसेस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेडिसिन जैसे कि लाइकोपोडियम है, मक्सोल है एंड हिपरसल्फ है, इन मेडिसिन का भी उन सिम्टम्स के आधार पर यूज़ किया जाता है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास के किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके उनके एडवाइस के अनुसार आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको जो है बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।